अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुनाऊंगा जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी नुकसान नहीं किया। उस ट्रेडर के ट्रेडिंग से आप लोगों ने सबक सीखना है, कामयाब हो जाएंगे। और अगर उस ट्रेडर की ट्रेडिंग का स्टाइल और उसकी साइकोलॉजी और उसका माइंड और उसके वे ऑफ प्रॉफिट और उसके वो वजूहात जो उसको प्रॉफिट में लेकर आई और आप लोगों को वो चीज़ें नुकसान के अंदर लेकर आ रही हैं, उनके ऊपर आपने गौर ना किया, आप लोगों को के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, मेरे एक दूर के मामू लगते हैं, उम्र उनकी होगी राउंड अबाउट 62-65 और एक बहुत बड़े कारोबारी बंदे हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है कि उनको पता चला कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। तल्लुकात थे अपने इलाके के अंदर, हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी बंदे को ट्रेडिंग के बारे में ना लाएँ। होता यह है कि हम अपने क्लोज़ बंदे, चूँकि उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक मोबाइल है या मेरे पास एक रहन सहन है, तो मेरे पास जो प्रॉफिट है वो शायद $1,00,000 के अकाउंट के ऊपर होगा और उनके अकाउंट के अंदर $100 है। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस और मेरी एक्सपेक्टेशन जब एक जैसी हो जाती हैं तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन जब हमारे जैसा उनको नहीं बना सकती शुरुआत के अंदर, तो फिर वो ओवरऑल हमारी बातचीत भी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे अपने क्लोज़ बंदे हैं उनको शुरू के अंदर हकीकत बता सकें और किसी भी बंदे को अपनी तरफ से ना लाएं। बहरहाल उनको हम लोग तरखाते रहे, बताते रहे आज कल परसों ना करें, बुरा हो जाएगा, लोग कंपनियाँ पैसा खा जाती हैं। अपने बंदे थे तो हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो मेरे दूर के मामू थे वो हमारे पास आ गए और 20 लाख रुपया उन्होंने उठाया हुआ था और बोला कि आज इन्वेस्टमेंट करने हैं, मरते हैं मर जाएं, उजड़ते हैं पैसे उजड़ जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल हम लोगों ने उनको बोला कि आप एक ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन करें, उनके नाम पे अकाउंट ओपन करवाया, उनके मोबाइल के अंदर इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उनको 6 लाख रुपये हम लोगों ने कोई आज से तकरीबन 1 साल या 11 माह पहले राउंड अबाउट 1 ईयर पहले हम लोगों ने उनको करके दिया और उनको समझाया कि इस तरीके से ट्रेडिंग होती है और इस तरीके से आपने काम करना है। बात उनकी समझ के अंदर आ गई, 6 लाख रुपए के ऊपर वो ट्रेड करते रहे। उन्होंने खुद एक ट्रेड भी ऐसी नहीं की जो उन्होंने खुद की हो, या मतलब हम लोग उनको बताते थे कि इस तरीके से ऐसे ट्रेड कर लें, आप इतना पैसा निकलवा लें। और आज की रूटीन ये है कि उस बंदे ने, जिस बंदे ने 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की थी, उस बंदे का 6 लाख रुपया उसने निकलवा लिया और उसके अकाउंट के अंदर 6 लाख नहीं, कोई राउंड अबाउट 6.5 या 7 लाख रुपया उसने निकलवा लिया और आज उस बंदे के अकाउंट के अंदर तकरीबन $2,200 या $2,300 मौजूद है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों का वो बंदा हर रोज़ अब MD4 ओपन करता था, MD4 अभी भी ओपन करता है, उसको आइडिया है मार्केट के ऊपर, हमने गैस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे यूज़ करना है, हमने रिपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना है। वो जो बंदा है जो मेरे दूर के रिश्ते के मामू हैं, वो क्या करते हैं कि उनको आइडिया है, उन्होंने इस बिज़नेस को एक ऐसे बिज़नेस के तौर पर लिया है जैसे हम लोगों का अक्सर लोग गोदामों के अंदर काम करते हैं, कुछ गंदम की स्टॉक्स का काम करते हैं, कुछ चनों का काम करते हैं, इस तरीके से जो हमारे पास है अजनास का काम करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से लिया हुआ है कि हम लोगों की एक चीज़ लेंगे, महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो करेंगे तो उसको बाद वो प्रॉफिट में आ जाएगा। बहरहाल उनका तकरीबन जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो निकल आई है और अभी भी अगर हम उसको $2,200-2,400 को छोड़ें, $2,000 भी करें, तो उनकी रकम तकरीबन 6 लाख रुपए से अभी भी ऊपर पड़ी हुई है। तो उनको आज के रेट के हिसाब से 100% प्रॉफिट आ चुका है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप लोग भी यकीनन यही बात बोलेंगे कि यार उनको प्रॉफिट बहुत अच्छा है, उन्होंने 6 लाख PKR डाला था और अभी भी उनके अकाउंट के अंदर 6 लाख PKR है और इससे ज़ायद का उनका विड्रा हो चुका है। लेकिन आप लोगों की सोच ये है कि मैं 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मैं रोज़ाना की बुनियाद पे कितना कमाऊँगा, लेकिन उनकी सोच ये है कि मैं स्पेल का कितना कमाऊँगा। मैं ये चीज़ जो 2.5 के ऊपर ले रहा हूँ, ये 3.5 के ऊपर जाएगी, मैं बेच दूँगा और अगर ये 0 पे भी आती है तो मेरे अकाउंट के अंदर मुझे ज़्यादा लालच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सोचते हैं हाय क्या फ़ायदा कि मेरे अकाउंट के अंदर $10,000 मौजूद है और मुझे आज के दिन का 1 रुपया नफा नहीं आया। उनको तो कुछ अरसे के बाद प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन आप लोग 2 दिन 4 दिन पैसा कमाने के बाद इतने बुरी तरह उजड़ते हो कि आप लोगों का पैसा फंस जाता है। तो एक और चीज़ जो मैंने उनसे सीखी कि वो हमारे मामू हैं, उम्र में भी बड़े हैं, कारोबार में भी बड़े हैं,
शायद पैसे के हिसाब से भी उनके पास हमसे ज़्यादा पैसा हो, इज़्ज़त के हिसाब से भी बुज़ुर्ग हैं, किसी भी जगह के ऊपर फैसले कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। लेकिन उन्होंने आज तक ये चीज़ नहीं बोली कि भाई मैं बहुत बड़ा कारोबारी बंदा हूँ। पुत्रो, आज तक आप लोगों ने जो काम किया इससे कई गुना ज़्यादा, जब मैं आप लोगों की एज से था तो उस टाइम से मैं काम करता हूँ, एक्सपीरियंस है, मुझे ज़्यादा पता है कि कैसे ट्रेड करते हैं। तो आज तक शायद एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि उस मेरे दूर के जो रिश्ते के मामू हैं उन्होंने रात को उनको बेसकूनी हुई होगी। तो आप लोग भी आज ट्रेड करते हो तो आप लोग किसी भी बंदे की मानना शुरू कर लो। दुनिया के अंदर कामयाबी का एक असूल होता है, आप लोगों ने इस असूल पर अमल करना है, कामयाब हो जाओगे। और अगर इस असूल पर अमल नहीं किया, पूरी दुनिया का इल्म भी अपने पास रख लो, नाकाम हो जाओगे। कामयाबी का असूल यह है कि आपने एक बंदा पकड़ना है जो उस फील्ड के अंदर कामयाब हो। फॉरेक्स की फील्ड है तो हमारे यहाँ आप लोगों का ये शिकवा भी बजा है कि यहाँ हर दूसरा बंदा धंधा करने वाला है। धंधा करने वाला हम बोलते हैं कि जो खुद नुकसान के अंदर है और लोगों से कि सिग्नल्स के नाम के ऊपर आता है, लोगों से वो अकाउंट मैनेजमेंट के नाम से आता है, यूट्यूब के ऊपर कोर्स बेचता है यूट्यूबर, और वो साला खुद लास्ट के अंदर है। तो आपने किसी भी बंदे से इन्वेस्टमेंट लेनी है और उस इन्वेस्टमेंट लेने के बाद इन्वेस्टर पासवर्ड लेना है। अगर वो 2 साल से प्रॉफिट में है, उसकी हर चीज़ पे अमल करें, उसकी हर बात को सुने, अमल करें, आप प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों का लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ ये है कि आप लोग सोचते हैं कि मैं 2 दिनों के अंदर कैसे कमाऊँगा, मैं 1 महीने के अंदर 2 महीनों के अंदर कैसे कमाऊँगा। आज का बेवकूफ़ इंसान ये समझता है हमारे एक एक अकाउंट के इन्वेस्टर पासवर्ड जब उसको 50-50 हज़ार डॉलर का मिलता है तो वो ये सोचता है कि इनके पास तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी थी, इस वजह से ये शायद प्रॉफिट के अंदर है। लेकिन वो बेवकूफ़ इंसान ये नहीं समझता कि हम लोगों ने जिस वक्त फर्स्ट टाइम के ऊपर, वो ये अलग बात थी, उस टाइम के ऊपर भी मेरी गूगल से 3-3 हज़ार डॉलर की इनकम थी। हम लोगों ने 600 डॉलर का एक अकाउंट बनाया था और उसके अंदर हम 4 पार्टनर थे जिसमें 600 डॉलर के नहीं 60 हज़ार रुपये का उस टाइम डॉलर का रेट 100 के राउंड अबाउट था। ये शायद जरदारी दौर की बात है 2013 के अंदर या नवाज शरीफ के शुरुआत के दौर की बात है। अभी तो अल्लाह पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए, अभी तो जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन 300 के राउंड अबाउट चल रहा है। तो उस टाइम के ऊपर अगर हम लोगों ने काम शुरू किया था तो हम लोगों ने 600 डॉलर पे शुरू किया था और आज 2023 चल रहा है, 27/11/2023 है। तो आज अगर हम लोग प्रॉफिट के अंदर हैं तो आपने ये ज़रूर सोचना है कि इनका अगर 2013 से इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि 2013 के बाद हमने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम से लेकर आज टाइम 10 साल के दौरानिए के बाद हमारे पास पैसा आया। आप लोग अगर इस फील्ड के अंदर रहते हैं, हमारी XNG USD ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हमारे पास तन्नी फारिस गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हमारे पास BTC ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं ये आपको हमारे पास आ रही हैं, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोग जो कमाने का सोचें वो 2 साल या 3 साल के बाद सोचें, ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि मैं पहले दिन आई हूँ कमाऊँगा। दूसरी चीज़ और आखिरी चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरी बात अच्छी लगे मेरी बात बुरी लगे, वो ये कि आप लोग एक चीज़ समझें कि आप इस फील्ड के अंदर आए हैं तो इस फील्ड में आप कमाने का सोचते हैं, आप गंवाने का सोचें। आपने ये नहीं सोचना मैंने 1000 डॉलर के अकाउंट के ऊपर कितना कमाया, आपने ये सोचना है कि मैंने 1000 डॉलर के अकाउंट कितना सेफ किया। तो ये इस तरह के व्यूज़ हैं जिस तरीके से आप काम कर सकते हैं। कोई सवाल बनता है आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म रहना, किसी टीचर की बात मानना, मार्केट को देखना, मशवरे के बाद सुन्नत तरीके से ट्रेड लेना, और ये सारे का सारा ट्रेड लेने से पहले सोचना, ये मेरे मामू जो दूर के हैं उनके रीज़न ऑफ सक्सेस है। और आप लोगों का तुक्का लगाना, किसी की बात को ना मानना, लालच, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, ये आपके रीज़न ऑफ लॉस है। याद रखिएगा 1000 डॉलर के अकाउंट के ऊपर आप लोगों का एक दिन में 10,000 डॉलर बनाकर ज़ीरो करना, ये चीज़ ठीक नहीं है उस शख्स की निस्बत जो दिन का 1 डॉलर कमाता है और साल के बाद उसका 1000 डॉलर के अकाउंट के ऊपर 100 डॉलर है। पहले वाले बंदे ने 1000 डॉलर से 9,000 कमाकर 10,000 करके ज़ीरो किया, नाकाम मैं बोल रहा हूँ, यकीनन आप भी बोलेंगे। और दूसरे ने 10,000 पे साल के 10-20-100 डॉलर कमाया लेकिन उसका अकाउंट 1100 डॉलर है, वो कामयाब है। तो जब आपको पता है कि कामयाब शख्स प्रॉफिट के अंदर वो होता है जो कम कमाता है लेकिन नुकसान नहीं करता,
और नाकाम वो शख्स होता है जो प्रॉफिट बेशक जितना मर्जी कमाए लेकिन एंड के ऊपर नुकसान ना करे। अगर वो नुकसान कर देता है तो वो नाकाम है, वो नुकसान नहीं करता वो कामयाब है। तो प्रॉफिट की चीज़ नहीं होती, नुकसान की बुनियाद पे इस फील्ड की कामयाबी और नाकामी है। तो कोई सवाल बंदे पूछ सकते हैं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो मैंने ऑनलाइन ट्रेडर्स को देखा है वो ये कि इनके अंदर मैं बहुत बड़ा ट्रेडर और अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कोई सवाल बनते हैं पूछ सकते हैं, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।